है, जहाँ युद्ध मैदान है वहां युद्ध की बात होती है, भगवान खुश है, किसान खुश है, लोग खुश है। और दूसरी बात है कि विधायक जी का व्यवहार जो है अत्यंत दुखदायी है, पीड़ादायी है, कटवा है, पूर्व वर्तमान विधायक और बाकी लोग कटवा है। ओंकार जायसवाल की पहचान 24 घंटा चेहरा पर मुस्कान, मुस्कुराते रहने से दुख दूर विकास तो नहीं ना हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नवरात्र समाप्त हो चुका है और अब एक बार फिर चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने वाली है। ऐसा अंदेशा है कि अब कभी भी झारखंड में अधिसूचना जारी हो सकती है, तो ऐसे में चुनावी कवरेज में हम एक बार फिर से निकले हैं और इस बार हमारे साथ अभी हैं बांकी विधानसभा के आम आदमी पार्टी के नेता ओंकार नाथ जायसवाल जी। आप देख रहे हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज पर। और आप जिस तरीके से सक्रिय रूप से बांकी विधानसभा में नजर आते हैं, और आप तब भी नजर आते हैं जब बांकी विधानसभा काफी हॉट सीट माना जाता है, लगातार चर्चा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, और ऐसे में आप चाहे वो पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, आप काफी आक्रामक रूप में होते हैं। लेकिन आपकी एक और पहचान है कि बांकी विधायक के आप कभी बेहद करीबी माने जाते थे, उनके मुख्य बतौर हम कह सकेंगे कि सलाहकार के रूप में आप कार्य कर चुके हैं, तो चुनावी मैदान में आप उनके सामने अब खड़े हैं, तो क्या चुनावी मैदान में जिस तरीके से आमने सामने खड़े हैं, मन से भी उनके सामने खड़े हैं, या आप भी कोई भावनात्मक लगाव है उनके साथ, कितना समय बिताया है तो कुछ मन में कोई जगह है? जी, सबसे पहले हम विधायक जी के प्रति बहुत आभारी हैं, उन्होंने मुझे अपने संघर्ष के जीवन में साथी बनाया और मुझे नेता बनाया, इसके लिए उनके प्रति हम जीवन भर आभारी रहेंगे। दूसरी बात है कि अर्जुन को भी अपने गुरु के प्रति तीर धनुष उठाना पड़ा था, क्योंकि सत्य और सत्य की लड़ाई थी, और उसमें गुरु की भूमिका में कौन है? हम मानते हैं कि गुरु मेरे बहुत हैं, लेकिन उसमें एक वर्तमान विधायक भी मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनके साथ बहुत संघर्ष का जीवन मैंने व्यतीत किया हूँ, तो उससे मैं जीवन भर कहूँगा कि उन्होंने बहुत सिखाया है मुझे, और आज विधानसभा में इसमें यहाँ पर पहुँचा हूँ तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जहाँ सत्य और सत्य की बात आती है तो उसमें हम निश्चित रूप से वो हम लड़ाई मैदान में है, युद्ध में है, और अर्जुन महाराज को भी अपने गुरु के प्रति उठाना पड़ा था धनुष बाण, क्योंकि वह असत्य की ओर थे, अभी सत्य की ओर थे, तो इसमें कोई ये नहीं है, हम उनके कोई भावना और लगाव नहीं है। जहाँ युद्ध मैदान है वहाँ युद्ध की बात होती है, और अलग है तो भावना अलग है, इसलिए ये है तो चुनावी मैदान है वहाँ तो युद्ध होगा। आपने ये तो स्वीकार किया कि वो राजनीतिक गुरु के रूप में आप उन्हें देख पा रहे हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसा देख रहे हैं अर्जुन की नजरों से, बताइए? देखिए, उनका कार्यकाल जो मैं बराबर मांग करता रहा हूँ कि जितने बात जो भी बात उन्होंने कही थी तो पूरा के सभी मामलों में फेल, चाहे सभी समाज के लोगों को उन्होंने धोखा दिया, लोगों को बरगलाया, लोगों को कोई काम धरातल पर नहीं दिखा, मतलब पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में बहुत खास अंतर नहीं दिखा, 10-20% का अंतर हो, कोई अंतर नहीं दिखा, कोई वर्ग खुश नहीं है, नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना लोग खुश है। और दूसरी बात है कि विधायक जी का व्यवहार जो है अत्यंत दुखदायी है, पीड़ादायक है, और यह विधायक का तो व्यवहार ही नहीं होना चाहिए, जिसका मैं पुरजोर में विरोध करता हूँ, और अगर व्यवहार ही सही नहीं है तो वहीं पे आपका सारा गुण खत्म समाप्त हो जाता है। महिलाओं के बीच तो उनकी जिस प्रकार से लोकप्रियता देखी जा रही है, वो मशीन का बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, लगातार कैंप लगाए रहते हैं। देखिए, वो समर्थ पुरुष है, उनके पास भगवान कुल संपत्ति दिया, लेकिन बांट रहे हैं तो भी उसमें भी झूठ बोलते हैं, बांटते हैं विधायक कोटा से तो कहता है कि मैं निजी खर्च से किया, और बराबर हर बतिया के बोलते हैं कि निजी खर्च से किया, निजी खर्च से, जबकि मैं बता रहा हूँ कई रोड को बनाया उन्होंने और कहा कि निजी खर्च से, बाद में उस कोटा को पैसा निकाला। अभी देखिए वहां तीसर शिलान्यास किए, क्या किए कि तीसर जगह वो बाबा वीर कुंवर का किए, अब बोल दिया कि मैं निजी खर्च से किया, 30,000 नक दिए और 30,000 का टैल दिए, और पूरा के पूरा वहां उसमें पैसा जो खबरें आ रही है 2,00,000 रुपया हर इसे निकला पैसा। ये सुनी सुनाई बातें हैं या प्रामाणिकता है? देखिए, प्रामाणिकता तो बहुत सारा है, अगर प्रामाणिकता की बात है तो उसमें भी हम दे देंगे, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, पता लगा लीजिए, जो सच है वो सच है, वो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। चुनावी मैदान में है, चुनावी जंग में जो एक लीडर के अलावे भी आपकी एक पहचान है, आप वकालत करते हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन इस चुनाव में बांकी का जो चुनाव महंगा चुनाव हो गया है, बड़ी बड़ी रैलियां
आयोजित हो रही हैं, एक दिन में लाखों खर्च कर दिए जा रहे हैं, ऐसे में वित्तीय प्रबंधन आपका कैसे होगा? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कि आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि आप एक दिन में लाखों रुपए का रैली कर लीजिए, हजारों लोग को बुला के आप संबोधित कर लीजिए, तो आपका वित्तीय प्रबंधन क्या होगा, या फिर आपके भी कोई वित्तीय सहयोगी हैं जो अभी छुपे हुए हैं और वो सामने आएंगे? देखिए, राजनीति में चुनाव जो है ना, वो पैसा से ना देश से जीता जाता है, बल से जीता जाता है। राजनीति में चुनाव जो है वो साइकोलॉजी के बल पर जीता जाता है और डिप्लोमेट के बल पर, जिसको हिंदी में कूटनीति बोलते हैं, कूटनीति और साइकोलॉजी के बल पर जीता जाता है चुनाव। चुनाव न शरीर से जीता जाता है न पैसा से जीता जाता है। इसलिए पैसा वैसा जितना लोग कर रहे हैं, आप समझ सकते जो प्रत्याशी हैं, आप राजनीतिक अनुभव का टेस्ट कीजिए, राजनीतिक अनुभव क्या है। तो हम लोग तो ट्रेनिंग करके राजनीति में आए हैं। आप देखिए ना, काराकाट देखिए आप बिहार में क्या हुआ, पवन सिंह पूर्व मंत्री कितना रैली हुआ, लेकिन 20 रुपया एक वोट करके वहां जीत गया, माले ना राजकुमार जी जीते ना। तो ऐसा कई जगह है, सिपुजन जी पास क्या रिपोर्ट था, सिपुजन जी के पास क्या था, भानु प्रताप साहू जी के पास क्या, अनिल चौरसिया के पास क्या था, मधु सिंह के पास क्या था, विदेश सिंह जब चुनाव लड़े तो क्या था। जो भी रहे हैं, जो संघर्ष के जीवन में रहा है, उसको जनता आशीर्वाद देती है, उनका भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद रहता है। इसलिए आप निश्चित रहिए, ये सब जितना भी लोग हैं, मैंने बार बार कहा कि ये दो लोग को मैंने नाम धरा कि दो लोग मुरकटवा हैं, पूर्व और वर्तमान विधायक, और बाकी लोग भोटकटवा हैं। इन लोग कहीं कुछ जमीन पर नहीं है। कार्य सवाल 300 दिन, 12 महीना, 365 दिन धरातल पर रहता है, गांव में रहता है, लोगों के बीच में रहता है। इसलिए हमारा तो पैसा गांव में है, लोगों के पास है, मेरे दोस्त पास है, इसलिए सारे मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, सब लोग लगा हुआ है। मुझे बूथ लिस्ट पर कहीं जरूरी नहीं है। सारा लोग बोलता है कि बूथ लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ के बूथ लिस्ट देख लूंगा, मैं यहाँ के देख लूंगा। तो हमारे कई मित्र हैं जिन लोगों ने मुझे स्कॉर्पियो देकर, गाड़ी देकर, मैं जब विधानसभा में चला रहा, कई लोग तो मुझे तेल भी दे देते हैं, कई लोग डोनेट भी करते हैं। तो मेरा सब जनता है, जनता से मैं यहाँ आया हूँ और आगे भी उन्हीं के बदौलत मैं काम करूंगा। आपने कहा कि राजनीति में धन बल बाहुबल कुछ काम नहीं करता है, कूटनीति की आवश्यकता होती है। कौन सी ऐसी कूटनीति का आप इस्तेमाल करेंगे कि अपने आप को आप इस रेस में आगे पाएंगे? और जिस तरीके से आपका पिछले कुछ दिनों का हम कार्यक्रम देखें, तो आप लगातार कई पूजा पंडाल में जा रहे हैं, लोगों को अंग वस्त्र भेंट कर रहे हैं, तो ये भी क्या कूटनीति का हिस्सा है? देखिए, ये मेरा 5वां साल है और मैं जब माननीय विधायक जी के साथ मैं जब अलग हुआ, तब से मैं माँ दुर्गा के पंडाल में 130 पंडाल में घूमता हूँ। 5वां साल है, माँ दुर्गा की कृपा है। और सभी पंडाल में मैं जो युवा साथी है, वहाँ के कमेटी के सदस्य 20-25 होते हैं, सबको मैं गमछा उड़ाकर उन्हें सम्मानित करता हूँ और जो यथासंभव मैं चंदा देता हूँ। दूसरी बात है कि मैं वहां बोलता हूँ, सभी पंडाल में मैं ये कहता हूँ कि देखिए, न मैं विधायक बेटा हूँ, न मंत्री का लाल हूँ, न पैसे का कमाल हूँ, एक साधारण परिवार का लड़का ओंकार जसवाल है जो आपके बीच में आप ही को सम्मान देने आया। हम सम्मान देने निकले हैं। हम किसी को कभी किसी तरह, मेरे वाणी से कोई आदमी अगर किसी को दुख हो, मैं ऐसा कभी मैं नहीं कहता हूँ। मैं बराबर कहता हूँ, मुझे फीता माला की आवश्यकता नहीं है, मुझे सम्मान मत दीजिए, मैं सम्मान देने स्वयं आया हूँ। और उसके तहत मैं 10 दिन लगातार कैंपेनिंग किया और ये लगातार मेरा रहता है प्रतीक्षाला, जब तक जीवन रहेगा। चुनाव जीत हार ये अलग बात है, लेकिन यह भावनात्मक लगाव है। अब 130 पूजा पंडाल में मैं भ्रमण करता रहूंगा, साले साल मैं युवा साथी को गमछा प्रदान करूंगा, उनको सम्मान दूंगा, यह सिलसिला मेरा जारी रहेगा। इसको चुनाव और कूटनीति लेना देना नहीं है, एक मेरा एक पर्सनल है और बाकी जो जैसा लोग लेते हैं उसको उसी से ले। चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति का आप इस्तेमाल करेंगे, या हम दूसरे शब्दों में पूछें तो हर उम्मीदवार की प्राथमिकताएं होती है, आपकी दो बड़ी क्या प्राथमिकता होगी जिसे लेकर आप चुनावी मैदान में? देखिए, पहली प्राथमिकता हम लोग का जो है ना, तो सीधा है कि हम लोग ओंकार जसवाल की पहचान 24 घंटा चेहरा पर मुस्कान, ये मेरा पहचान है। मेरा व्यवहार, ईमानदारी, सत्यता, यही मेरा पहचान है। और मेरा कोई मेरा जीत के मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहने से दुख दूर विकास तो नहीं ना हो जाएगा? मुस्कान है आपका चेहरे पर, अभी भी मुस्कान है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपका जो लोगों से वादा होगा, वो क्या बड़ी दो प्राथमिकताएं होंगी जो हम कैपिटल न्यूज के माध्यम से लोगों को बता सकें कि आप पांकी को कहां देख पा रहे हैं, क्या जरूरत है? पहली दो बड़ी प्राथमिकता, देखिए, पहली प्राथमिकता है कि हमारे युवा भाई पूरे पांकी विधानसभा से, मेरे युवा भाई लगता है गाँव से लगभग 100-100 की संख्या में चले जाते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का मेला। तो सबसे पहले मेरा होगा कि जो हमारे युवा भाई यहाँ से जाएंगे, जा रहे हैं बाहर,
उनको रोकना, नौजवानों को बाहर नहीं जाने देना, वहां से डेड बॉडी आता है, बीमार होके आते हैं, बहुत दुख होता है। तो सबसे पहले कैसे होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उनको रोकना और गांव में ही सुविधा प्रदान करना है, इस क्षेत्र में ही सुविधा प्रदान करना। अब कैसे उनको काम बंटवारा होगा, क्या होगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन उनका रोकना पहला प्राथमिकता है। और इसी पर मेरा काम ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक होगा, चाहे प्राइवेट संस्था को यहाँ लाना, चाहे कैसे करना, इस पर मेरा पहला प्राथमिकता है। नौजवान को अधिक से अधिक, नौजवान को बाहर नहीं जाने देना, उसकी प्राथमिकता पर मैं आज भी मैं कायम हूँ और उस पर मैं काम करूंगा। ये मेरा पहला प्राथमिकता यही है। दूसरा प्राथमिकता है कि ओंकार जसवाल जनता के बीच में रहेगा, 24 घंटा रहेगा और उनकी वादा, उनकी बात, उनकी समस्या वो सुनता रहेगा। अब तक जो विधायक थे, पूर्व विधायक की मैं बात करता हूँ, पहले वाले जो लोग थे वो जनता के भूखे हुए, उनको राजनीतिक ज्ञान थी, वो जनता के भूखे थे, पैसा के भूखे नहीं थे। लेकिन वर्तमान में जो है, जो पूर्व और वर्तमान है, जिनको मैं राहु केतु बोलता हूँ, वो जनता के भूखे नहीं है। इन लोग दोनों कफन में पॉकेट छुपाए हुए हैं, इन लोग सीधा है। इन लोग ये नहीं है कि जनता से इन लोग की एलर्जी है, एगो तो 12 बजे सूत के उठते हैं और एगो 7 बजे नहा धोके बैठते हैं, 7 बजे से डांटना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी समस्या लगेगा नाट खाएगा 7 बजे से, और एगो 12 बजे तक उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। तो उस परिस्थिति में जनता अकबक में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या करे। तो हम लोग उसके बीच में है, चौकीदारी कर रहे हैं और सबका आशीर्वाद रहा। तो ये छोटा लड़का बहुत कुछ करेगा, समय परिस्थिति के इंतजार। आपने अपनी दो प्राथमिकताएं बता दी और एक अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपने महाभारत का जिक्र किया, आपने वर्तमान विधायक को गुरु को और खुद को अर्जुन की उपाधि दे डाली, लेकिन उस समय द्रोणाचार्य को मारने के लिए छल का उपयोग किया गया था। अश्वत्थामा नाम के हाथी को उनका बेटा बताकर कि अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने धनुष गिरा दिया और फिर उन पर वार कर दिया गया। तो क्या इस रणनीति का भी ऐसा भी कुछ इस्तेमाल होगा कि अपने गुरु को धराशायी करने में, कोई भी जंग में सब जायज है वैसे चुनाव में सब जायज है? देखिए, चुनाव में अहिंसा की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बाकी चुनाव में मैं शुरू में ही बोल दिया आपको, चुनाव जीता जाता है साइकोलॉजी के बल पर, हिंसा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ छल की, छल की नहीं। तो उस डिप्लोमेट, कूटनीति और साइकोलॉजी, इसी के बल पर चुनाव जीता जाता है। और उसमें ओंकार जसवाल है और करेगा, क्या होगा बहुत कुछ बताया नहीं जाता है, समय के साथ परिस्थितियां तय होती है, कैसे होगा पल पल का रिपोर्ट रहता है। 24 घंटा में विधानसभा पर, जैसे अर्जुन महाराज का आंख पर निशान था तीर का, उसी तरह मेरा 24 घंटा मेरा विधानसभा के 512 गांव पैसठ पंचायत पर नजर रहता है, सभी प्रत्याशियों पर नजर रहता है, कौन क्या कर रहा नजर रहता है। इसलिए समय परिस्थिति बताएगा कि क्या रणनीति तय होगा, सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वो सब सारा पक्की आ रहा हूँ। जी, आपने सुना, हमारे साथ ओंकार नाथ जसवाल जी थे जो पांकी के आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और पांकी विधानसभा से ये अपना किस्मत भी आजमाने वाले हैं। चुनाव में क्या कुछ होता है ये आने वाला परिणाम बताएगा, जनता किसे सर का ताज देती है ये पांकी की जनता तय करेगी, लेकिन पांकी के सभी प्रत्याशियों से, उनके विजन से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।